हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वंशिका शर्मा और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रेसिंग कैसे करते हैं अपने हैवी हेयर्स में। और बहुत से लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि जिन लोगों के कर्ली और वेवी हेयर होते हैं, मतलब थोड़े मुड़ाव होता है जिनके बालों में, वो लोग प्रेसिंग कैसे करें। तो आज मैं आपको अपने हेयर्स पर प्रेसिंग करके दिखा रही हूँ। तो मेरे हेयर्स थोड़े से थिक हैं और बहुत ज़्यादा कर्ली भी हैं। तो अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताती हूँ। पहले हमें बीच की मांग निकाल के अपने हेयर्स को टू पार्ट में डिवाइड कर लेना है, जिस टाइप से देखिए यहाँ पे मैंने किया है। बालों, अगर आप प्रेसिंग कर रहे हैं तो बाल एकदम वॉश होने चाहिए और बालों में ऑयलिंग नहीं होनी चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, तभी आपकी प्रेसिंग अच्छी तरह आपके हेयर्स को प्रेस स्ट्रेट कर पाएगी। तो इस टाइप से दोनों साइड पार्टिंग करके बालों को सुलझा लेना है। आप देख सकते हैं कितने वेव हैं मेरे हेयर्स में। देखिए, इस टाइप से मैंने अच्छी तरह से बालों को सुलझा लिया है, क्योंकि अगर आपके बाल अच्छी तरह सुलझे होंगे तभी प्रेसिंग भी अच्छी तरह काम करेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ बाल अच्छी तरह सुलझ गए हैं, बालों में वेव हैं अभी। तो अब हमें क्या करना है, प्रेसिंग करने का सबसे ईजी मेथड ये होता है कि आप बहुत कम हेयर लेके करें। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि एक साथ बहुत सारे बाल ले लेते हैं और उन्हीं में प्रेसिंग करते हैं, तो वो ऊपर से प्रेसिंग स्ट्रेट कर देती है, बट अंदर से वो वेवी ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस टाइप से फोर पार्ट में मैंने अभी डिवाइड कर लिया इन हेयर्स को। पहले हमें कम बालों से प्रेसिंग करना शुरू करना है। यहाँ पर मेरे पास फिलिप्स की प्रेसिंग मशीन है, इसकी जो है सेरेमिक प्लेट होती है। इसका अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत अच्छी प्रेसिंग मशीन है ये, स्ट्रेटनर भी कहते हैं हम इसे। तो देखिए, आप उन बालों में से भी मैंने टू पार्टिंग करी है, क्योंकि प्रेसिंग का सिर्फ और सिर्फ यही मेथड होता है। आप लोग कमेंट करते हैं हमारे बाल अच्छी तरह प्रेसिंग नहीं हो पाते हैं, अच्छी तरह स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, तो आप लोगों की एक प्रॉब्लम रहती होगी, या तो आप बहुत सारे बाल लेके करते होंगे, या फिर आपके बाल अच्छी तरह से टेंगल फ्री नहीं होते होंगे, सुलझाते नहीं होंगे आप लोग, या फिर आप ऑयल पहले से लगा होता होगा तब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सारे रीज़न का सॉल्यूशन बता दिया है। बाल अच्छी तरह सुलझे होने चाहिए, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। वॉश करके भी आप गीले बालों में प्रेसिंग बिल्कुल ना कीजिए, बिल्कुल सूखे हों तभी आपको प्रेसिंग करनी है। देखिए यहाँ जिस टाइप से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल सूखे हेयर हैं मेरे। मैंने जैसे सुबह धोए थे तो अब मैं शाम के टाइम यहाँ पे प्रेसिंग कर रही हूँ, तो बिल्कुल सूख गए हैं हेयर। और देखिए कितने कम हेयर लेके हमें करना है, तभी अच्छी तरह से हो पाएगी। और आगे से यहाँ मैंने जो मेरे बाल कठोर रखे हैं उनको आप जिस टाइप से मोड़ना चाहें उस टाइप से मोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने इस टाइप से मोड़ा है, प्रेसिंग की हेल्प से ही आप इसे मोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेसिंग से ही कर्लिंग कैसे करें। तो देखिए जैसे इस टाइप से मैंने इस साइड की है और उसी से उस साइड करूंगी, बिल्कुल सेम मेथड है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेसिंग करते टाइम आपको बाल बहुत कम लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी सेरेमिक प्लेट है, इससे जो आपके हेयर में शाइन भी आ जाती है ऑटोमेटिकली। चाहे आपने हेयर में कोई सीरम भी ना लगाया हो तब भी आपके हेयर्स में शाइन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। देखिए आप कितनी हीट निकल रही है। वैसे तो हमें ना रोज़ रोज़ प्रेसिंग नहीं करनी चाहिए अपने बालों में, स्ट्रेटनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे हेयर हमें गॉड ने दिए हैं वो ही बहुत बेस्ट होते हैं। बट अगर आपको कहीं पार्टी में या कुछ भी चीज़ आपको अपना फंक्शन अटेंड करना है तो आप कीजिए, क्योंकि प्रेसिंग से या स्ट्रेटनिंग से हमारे बाल जो हैं डैमेज होते हैं, उनमें हीट लगती है बहुत ज़्यादा, तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये प्रेसिंग मशीन यहाँ पर स्ट्रेट कर रही है बालों को। तो सेम वही मेथड से सारे बाल मैं कर लूँगी। ये देखिए आप, बहुत कम हेयर लेने हैं। देखिए ये वाले बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बगल वाले हल्के से वेव हैं। मेरे बाल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं, मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल रहे हैं मेरे, बट अब थोड़े से इनकी लेंथ हुई है। देखिए आप कितनी वेव है, थोड़ी
थोड़े इनमें लेंथ हुई है, अगर लंबे हुए हैं मेरे बाल तो हल्की सी इनमें स्ट्रेटनेस आई है, वरना मेरे हेयर बचपन से ही बहुत ज़्यादा कर्ली रहे हैं। पीछे वाले बन को अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है ताकि वो आगे वाले में ना मिले, और हमें याद रहे कि हमारे ये वाले हेयर जो हैं प्रेसिंग या स्ट्रेट हो गए हैं। तो अब पीछे वाले हेयर मैं खोल लूँगी। देखिए पीछे वाले जब मैंने खोले हैं हेयर्स तो आगे वालों को सिक्योर कर लिया है। इसी टाइप से बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। प्रेसिंग करना बहुत ईजी है, वो तो आप लोगों ने इतना कमेंट किया तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दी, बट प्रेसिंग करना बहुत ईजी है, बस आपको मेन पॉइंट पता होने चाहिए। देखिए अब सारे हेयर्स में बिल्कुल इसी टाइप से करनी है। मैंने इसको थोड़ा फास्ट मोशन पे कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैंने अपने हेयर्स में आपको बहुत सारे हेयर स्टाइल भी बता रखे हैं, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए एक साइड के पूरे हेयर अच्छी तरह से हो गए हैं स्ट्रेट। आपको साथ साथ सिक्योर कर जाना है, या आपके पास क्लेचर हो तो आप उससे कर लीजिए, मेरे पास सेक्शन क्लिप है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाल बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेट हो गए हैं, और आपको लग ही रहा होगा कि इतने वेवी हेयर अगर इतने भी हो जाएं स्ट्रेट तो बहुत है मेरे लिए। तो देख सकते हैं आप नीचे तक मैंने अच्छी तरह से प्रेसिंग करके इनको स्ट्रेट कर लिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप रोज़ रोज़ प्रेसिंग ना कीजिए अपने हेयर में, स्ट्रेटनिंग मत कीजिए, क्योंकि उससे आपके हेयर्स जो हैं डैमेज हो जाएंगे। अगर देखिए ऐसे पीछे की आप देख सकते हैं, पीछे हल्का सा वेव आपको दिख रहा होगा क्योंकि पीछे तक मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था। और अगर आप खुद प्रेसिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, क्योंकि प्रेसिंग करते वक्त किसी बड़े की हेल्प ज़रूर लीजिए। पीछे आपको हल्का सा वेव दिख रहा होगा, बट उसे मैं नहीं कर पा रही थी, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरे में मेरे को पीछे का साइड नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। स्ट्रेटनिंग करने के बाद थोड़े से हेयर्स हमारे जो हैं लेंथ लगती है कि लंबे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।